गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है एस एडवर्टाइजिंग मॉरिशियस SNC ET कॉम्पेन वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन। ये मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और मैटर 5 जुलाई 2021 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस केस में हमको ये देखने को मिलता है कि डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, जो हमारी असेसिंग अथॉरिटीज़ हैं, उनकी कितनी हाई हैंडेडनेस है, वो किस अप्रोच के साथ, किस एटीट्यूड के साथ असेसमेंट को कंप्लीट करते हैं। केस असेसमेंट ईयर 13-14 का है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने असेसी को एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर दिया, उसके अंदर कोई एडिशंस प्रपोज की गई। असेसी उस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अंगेंस्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में गया, क्योंकि ये मैटर इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड था। और जब मैटर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास गया तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ने ये कहा कि असेसी जो है वो एक एलिजिबल असेसी नहीं है और असेसी के ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन नहीं लगते। असेसी ने जिस कंसर्न के साथ डीलिंग की है वो एसोसिएटेड कंसर्न, उसके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लगेंगे और जो भी एडजस्टमेंट करनी होगी वो वहां पे की जाएगी। कानून ये है कि जो असेसिंग ऑफिसर अपना ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर देता है और उसके बाद जो डीआरपी की रिकमेंडेशन आती है, ऑर्डर आता है, तो असेसिंग ऑफिसर को उस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के से वो बाध्य होता है, जो भी उन्होंने ऑर्डर दिया होता है उसके मुताबिक ही असेसिंग ऑफिसर को अपना ऑर्डर पास करना होता है। तो इस केस में जब असेसिंग अथॉरिटी को ये लगा कि ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर अब उनका सस्टेन नहीं करेगा और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ने जो ऑर्डर दिया है उसके मुताबिक एडिशन नहीं हो पाएगी, तो उन्होंने असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर दिया। 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाए बिना, क्योंकि उनको ये पता चल गया कि अब वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट नहीं कर सकते। असेसी का सेम मैटर पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ने पुराने सालों के अंदर भी ये बात कही थी कि असेसी का ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है और उसको पुराने सालों के अंदर भी ITAT और हाईकोर्ट से रिलीफ मिल चुका था। इतने सारे फैक्ट्स क्लियर होने के बाद भी असेसिंग अथॉरिटी ने असेसी का सेक्शन 148 के अंदर केस रीओपन कर दिया। असेसी जो है इस सेक्शन 148 के नोटिस के अंगेंस्ट रिट के अंदर गया और दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि क्योंकि सेक्शन 148 के अंदर असेसिंग अथॉरिटी के पास कोई नया एविडेंस नहीं था, कोई नया मटेरियल नहीं था जो कि यह सजेस्ट करे कि असेसी की इनकम एस्केप हुई है, उसकी इनकम को रीअसेस किया जाना चाहिए। तो इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो सेक्शन 148 का नोटिस था उसको क्वेश्चन कर दिया और ये कहा गया कि जो 148 का नोटिस इशू किया गया है और जो उसके लिए परमिशन दी गई है एडिशनल कमिश्नर के द्वारा, वो भी एक मैकेनिकल है, वो परमिशन भी जो है वो प्रॉपर तरीके की नहीं है, खाली एक रिचुअल पूरी करने के लिए, एक रस्म पूरी करने के लिए वो अप्रूवल दिया गया है। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर एक और चीज़ ये निकल के आई कि जब तक यदि सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट लगी हुई है और वो असेसमेंट पूरी नहीं हो जाती, जब तक उस असेसमेंट को पूरा किए बिना सेक्शन 148 का नोटिस असेसी को नहीं दिया जा सकता। ये भी इस केस का एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। लेकिन यहाँ पे जो मेन बात ये है वो ये है कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो कि इसकी असेसमेंट कर रहा था, वो मैडम थी इस केस में जो असेसमेंट कर रही थी, उन्होंने इतनी हाई हैंडेडनेस दिखाई कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल की रिकमेंडेशन को काटने के लिए बियॉन्ड द लॉ जाकर के एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया, जिसके अंगेंस्ट एसएससी जो है वो रिट पिटीशन में गया और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट को लॉजिकल रीजनिंग तक कंप्लीट किए बिना एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस नहीं दिया जा सकता। सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने के लिए कोई एडिशनल एविडेंस, कोई ऐसा एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो असेसिंग अथॉरिटी के पास होना चाहिए जिसके बिहाफ पर नोटिस इशू किया गया है और जिस अप्रूविंग अथॉरिटी ने, एडिशनल कमिश्नर साहब ने ये जो अप्रूवल दिया है, ये भी एक उनका एक अपना मत होना चाहिए इसके ऊपर, खाली एक यस लिख देने से कि ये इट इज़ ए फिट केस फॉर ओपनिंग सेक्शन ओपनिंग द असेसमेंट अंडर सेक्शन 148
दैट इज नॉट ए वैलिड अप्रूवल बाय द एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, इस केस से ये एक बात निकल करके आती है कि हमारी जो असेसिंग अथॉरिटीज है उनकी क्या मानसिकता है, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। एक सेटल्ड लॉ होने के बाद असेसी के अपने केस के अंदर ITAT से रिलीफ मिलने के बाद असेसी को पुराने केसेस के अंदर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने के बाद सेम मैटर पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में असेसमेंट चलने पर और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल का डिसीजन आने पर, जो कि एक असेसिंग ऑफिसर के लिए, असेसिंग अथॉरिटी के लिए एक बाध्य होता है, लेकिन उसको भी काटने के लिए वो बियॉन्ड द लॉ जाकर के असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू करते हैं। तो इस तरीके के जब नोटिस इशू किए जाते हैं और असेसमेंट पूरी करने की कोशिश की जाती है, तो ये एक डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है, जो कि इस तरीके की अप्रोच असेसिंग अथॉरिटीज़ को नहीं रखनी चाहिए। उनका मकसद यह है कि वो असेसी की राइट इनकम को कंप्यूट करें, ना कि अपने आप को एक अपोजिट पार्टी माने। ये कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं है कि जहाँ पे असेसिंग अथॉरिटी और असेसी जो है वो दो अलग अलग पार्टी और आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पे द मेन पर्पस ऑफ द असेसमेंट इज टू कंप्यूट द राइट इनकम ऑफ द असेसी एंड नॉट टू बिकम द लिटिगेंट्स फॉर द केस। फ्रेंड्स, आई थिंक दैट दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द नोटिस विच इज इशूड अंडर सेक्शन 148 व्हेन द असेसमेंट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज एस एडवर्टाइजिंग मॉरिशियस SNCET कंपनी वर्सेज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एंड दिस मैटर हैज बीन डिसाइडेड बाय दिल्ली हाई कोर्ट, एंड दिस मैटर हैज बीन रिपोर्टेड इन 437 ITR एट पेज नंबर 1, एंड दिस केस इज डिसाइडेड ऑन 5th July 2021। फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ माई डेलिब्रेशन ऑफ दिस केस, आई अपील टू यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for receiving the future notifications of my coming lectures on the various cases. Thank you, friends.